इलॉन मस्क को भी धमकियां मिली, एप्पल ने क्यों किया ट्वीट। एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने की क्यों दी धमकी। इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है तब से वो बड़े फैसले ले रहे हैं। एप्पल ने मस्क को धमकाया है कि वो अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटा देंगे। इलॉन मस्क फिर चर्चा में है क्योंकि उनके ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। मस्क ने कई ट्वीट्स के जरिए एप्पल की धमकी के बारे में बात की है। सबसे पहले ट्विटर पर पोल किया और पूछा है कि एप्पल को अपने कस्टमर्स को इन्फेक्ट करने वाली सभी सेंसरशिप को पब्लिश करना चाहिए। इसके बाद उनका दूसरा ट्वीट आया और उन्होंने पूछा कि एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने की धमकी दी है लेकिन हमें रीजन नहीं बताया। तीसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या आप जानते हैं कि एप्पल अपने ऐप स्टोर के माध्यम से आपके द्वारा खरीदे जाने वाली हर चीज पर 30% टैक्स लगाता है। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर मस्क ने ट्वीट करके लिखा कि ये सिविलाइजेशन के फ्यूचर की लड़ाई है। यदि अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच खो जाती है तो आगे की स्थिति बेहद गंभीर होगी। आखिर उन्हें क्यों मिली धमकी? पिछले हफ्ते ही मस्क ने नई ट्विटर पॉलिसी जारी करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब हेट स्पीच और नेगेटिव कंटेंट वाले ट्वीट्स को बढ़ावा नहीं देगा। कमान संभालने के बाद से इलॉन मस्क ने कई बड़े बदलाव किए हैं। ट्विटर ने ब्लू टिक के लिए पैसे वसूलने से लेकर वेरीफाइड अकाउंट पर ऑफिशियल बैच देने तक कई बदलाव देखे हैं। अब मस्क ने एप्पल इंक पर ट्विटर को उसके ऐप स्टोर से ब्लॉक करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देना बंद कर दिया था। उन्होंने ये भी घोषणा की कि ट्विटर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट सहित कई कॉन्ट्रोवर्शियल अकाउंट्स को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है जिन्हें पहले ही हटा दिया गया था।